अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में कोई इतने चौकस सूटों के डिज़ाइन है, मतलब बहुत सिंपल से और बहुत मज़ेदार से, मतलब कि आप लोगों को रॉयल लुक आएगी पहन के इंशाल्लाह ताला। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग कैसे लगे, अब वीडियो देखिएगा फिर बताइएगा। चले जी वीडियो की तरफ चलते हैं। चले जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को कपड़े दिखाऊंगी कि मैंने ईद पे कौन कौन सा सूट सिलवाया है। ये जो तीन सूट है ना, ये ग्रीन और चेक वाला और उसके साथ ऑरेंज, ये मेरे तीन ईद के सूट हैं। बाकी जो अब नज़र आएंगे आपको ब्लू से लेके स्काई ब्लू तक, ये मैंने घर आम पहनने के लिए सिलवाए हैं। और वो वाले जो आगे वाले हैं वो पुराने वाले सूट लटके हुए हैं। ठीक है, ये सूट है, ये मैं आप लोगों को बारी बारी सारे दिखाऊंगी। सबके डिज़ाइन बहुत डिसेंट है, बहुत ग्रेसफुल है और आप सबको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं स्टैंड की, जिनका आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे आपने स्टैंड कहाँ से लिए हैं। आप लोग लिखेंगे दराज पे, क्या लिखना था, दराज पे लिखेंगे क्लोथ स्टैंड, ठीक है। वहाँ पे आप लोग फिर चले जाएंगे दराज मॉल पे, आप लोग को ये स्टैंड सारे मिल जाएंगे। वो जो वो वाला स्टैंड है सबसे पहले वाला, वो मिलेगा आपको 2800 का, ये वाला इस तरह का। और जो ये वाला स्टैंड है आपको मिलेगा 1800 का, जिसके दो रॉड्स हैं, एक इधर रॉड है एक दरमियान में रॉड है। दरमियान वाला रॉड मैंने लगाया नहीं है, वो आप लोगों को मिलेगा 2200 या 2000 का। एक रॉड वाला आप लोगों को मिलेगा 1800 का। अब आप लोग देख लीजिएगा जाके दराज पे जो आप लोगों को पसंद आए। अब इनकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा जंग लगा हुआ था लेकिन गुजारा कर गया बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा खलारा बहुत पड़ा हुआ था, मुझे चाहिए ही चाहिए था हर सूरत में। तो जिनको बहुत ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो वो ये ले ले, अच्छा है, क्वालिटी बुरी नहीं है, ठीक है। उसकी क्वालिटी लेकिन ज़्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इसके टांगे हिल रही हैं। चलें जी, अब मैं आप लोगों को बारी बारी सबसे पहले तीनों ईद के सूट दिखाती हूँ और फिर मैं आप लोग बाकी घर वाले दिखाती हूँ। ये है जी ड्रेस नंबर वन, ये है खाडी का सूट, थ्री पीस अनस्टिच, ये मैंने खुद स्टिच करवाया है। इसका आप लोग गला देखें, ये तीन तीन मोती लगे हुए बहुत क्यूट लगते हैं। और ये इसकी नेक लाइन है, ये सिलाइयाँ डलवा के ना, ये देखें इस तरह, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह का सेम गला बहुत क्यूट लगेगा अगर आप लोग सिलवाएंगे। अब तो ईद पास है, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, फिर कभी काम आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं इनके बाजू के डिज़ाइन की तरफ। ये देखें बाजू का डिज़ाइन सिंपल, आगे कपड़ा लगा के और आगे इस तरह के ब्लॉक बनवाए हुए हैं दोनों साइड्स पर। और इसी तरह नीचे चले जाते हैं, नीचे भी ये ब्लॉक्स हैं। अच्छा, अभी मैं पहन के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ईद पे फिर ना पहनने का मज़ा नहीं आता, जब एक बार सूट पहन लेते हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला आप लोग को ईद पे पिक्चर्स दिखाऊंगी। अब इसका मैं आप लोग को दुपट्टा और ट्राउज़र निकाल के दिखाती हूँ। ये इसका ग्रीन ट्राउज़र है और ट्राउज़र पे भी इस तरह के स्क्वायर बनवा लिए, ठीक है। ये देखिए सिर्फ एक साइड पर, एक साइड प्लेन है और एक साइड पे ये स्क्वायर बनवा लिए। अच्छा, इस दफ़ा मैंने कोई कैप्री नहीं रखवाई, कोई तंग ट्राउज़र नहीं रखवाए, कोई सिगरेट पैंट नहीं रखवाई। इस दफ़ा मैंने सब सूटों के ब्लॉक ट्राउज़र रखवाए हैं, क्योंकि गर्मियों में पसीना इतना ज़्यादा आ जाता है ना, तो उसके बाद सब चिपकते रहते हो और फिर कम्फर्टेबल नहीं रहता सूट पहनने में, तो इसलिए मैंने सारे ना ब्लॉक ट्राउज़र रखवाए हैं। ब्लॉक ट्राउज़र वो होता है जिसकी ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी सिलाई होती है। और ये इसके साथ का दुपट्टा है, ग्रीन शर्ट, ग्रीन ट्राउज़र और ग्रीन दुपट्टा। जो ये वाले टसल्स थे ये खाड़ी वालों ने साथ दिए थे दुपट्टे के लगाने के लिए, ये मैंने खुद नहीं लिए। पहला सूट हो गया डन। ये जो अगला ड्रेस है ये ज़ारा शाहजहाँ का है। अच्छा, ये वाला ड्रेस मुझे इतना पसंद आया था जब मैंने मम्मा को कहा था ना मैंने लेना है, मैं कहती ए की आ भैड़ा जहा सूट आ, ए को लैन आला है ना लै ना लै, लेकिन जब सिला तो वाकई बहुत प्यारा लगा सूट, मम्मा को भी बहुत पसंद आया। अच्छा, ये इसकी है, पहले आप लोग नेकलाइन देखें, एक बड़ा मोती है और एक छोटा मोती है, उसके बाद ये एक टसल है। और जो ये वाले तीन बटन्स हैं ना, ये मुझे किसी पेज ने पीआर भेजा था, अगर वो मुझे मैसेज करते हैं मुझे याद आ गया तो मैं आप लोग बता दूंगी। बहुत प्यारे बटन्स बनाती है वो लड़की, मैंने दो तीन और सूटों पर भी लगाए हैं, वो भी आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा, ये इसके बाजू में ये पैच मिला था साथ ही, जो इसके आगे वाला है ये भी साथ ही मिला था, और ये जो नीचे पैच लगे हुए नीचे चलते हैं ये भी साथ ही मिला था, और ये शर्ट के साथ लगे हुए हैं पैचेस, ये सारे ये साथ ही सूट के मिले थे, ठीक है। इसलिए मैंने ज़्यादा इस सूट का कुछ नहीं करवाया, सिर्फ गले पे
ये करवा लिया और आगे प्लेन था तो ये बटन्स लगवा लिए, ये बाकी इन्होंने सब कुछ सारी एसेसरीज साथ दी हुई थी। अब चलते हैं इसके दुपट्टे की तरफ, बहुत खूबसूरत और बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो दिखाती हूँ आप लोग को। ये है इसका दुपट्टा, बहुत ही प्यारा सा, इधर से मैं आप लोग को थोड़ा सा खोल के भी दिखाती हूँ, ये देखिए। अच्छा, इन्होंने सारी लेसेस साथ दी हुई थी, बहुत अच्छा। अगर 10,000 का बंदा सूट लेता है ना, सब लेसेस एसेसरीज ये साथ दे तो सूट सिलवाने का और लेने का मजा आ जाता है। ये नहीं कि मॉडल को बहुत फैंसी करके पहना दिया और घर आके देखा तो दो अंदर से टाकियां निकली और मॉडल की तरह बनाने वक्त 4,000 का खर्चा और आ गया। ऐसे कौन करता है, ऐसे सना सफीनाज वाले करते हैं, मॉडल को इतना अच्छा सूट पहना देते हैं और जब ले अंदर से कुछ भी नहीं निकलता फिर उस तरह का सिलवाना होता है, फिर 4-5,000 का मजीद खर्चा आ जाता है उसके ऊपर। ये ज़ारा शाहजहाँ वालों की ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सारी चीज़ें साथ। इसका ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन सिलवाया है, लेकिन ये भी बॉक्स सिलवाया है, सब बॉक्स सिलवाए हैं, ये देखें बिल्कुल प्लेन। ये आ गया इसका दुपट्टा और ये इसकी शर्ट। ईद पे पहनूंगी तो फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी पहन के। ये है ड्रेस नंबर 3, मैं आप लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ। बहुत प्यारा है फरा तालिब अजीज़ का, लेकिन जिस तरह मॉडल ने पहना हुआ था उस तरह मैंने खुद नहीं सिलवाया। अगर उस तरह सिलवा लेते, एक तो सूट सिर्फ 2 दफ़ा पहना जाता है, उसको फिर वॉश नहीं कर सकते, और फिर गर्मी में जब पसीना आता है सूट छज जाता है। इसलिए मैंने ना बहुत कोशिश की कि मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सिलवाऊँ ताकि गर्मी में पसीना भी आए तो सूट पहने जाएँ, ये ना होकर धुलवाने के चक्कर में अलमारी में लटके रहें। ये इसका गला है, ये बटन्स लगवाए हैं। अच्छा, आप लोग बटन्स देखिएगा, 4 ऊपर लगवाए हैं और 4 ही नीचे लगवाए हैं। डिजाइनिंग, आप लोग डिजाइनिंग चेक करें। ये भी उसी लड़की ने मुझे बटन्स बना के भेजे थे, ये देखो बहुत प्यारे गला बैठ गया, रोज़ा लग रहा है शदीद किस्म का, 36वां टेक है। कभी पी हो जाता है बाहर से, कभी रिक्शा आ जाता है। अच्छा, इसके बाजू आप लोगों को दिखाती हूँ, 3 प्लेटें और आगे ये और आगे लेस, ये वाली सिंपल सा। इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ, इसकी बैक साइड बिल्कुल प्लेन है। अब चलते हैं इसके दुपट्टे और इसके ट्राउज़र की तरफ। ये फरा तालिब अज़ीज़ का बताया ना मैंने, हाँ बता दिया था। ये है इसका दुपट्टा, शर्ट के साथ इसलिए रख के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को फुल सूट का आइडिया हो जाए। ये देखें चिड़ियाँ चिड़ियाँ बनी हुई हैं, जिन लोगों को चिड़ियाँ चिड़ियों से इशू है, मैंने तो वैसे भी देखी हैं चिड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं और ये इसका बॉक्स ट्राउज़र है, सब बॉक्स ये क्रोशिया लेस, 3 प्लेटें और फिर क्रोशिया लेस आगे पीछे दोनों साइड्स पर, ये देखिए। गर्मी में बॉक्स ट्राउज़र पहने बहुत अच्छे लगते हैं, जिन्होंने नहीं कभी पहने ना वही था सिलवा के देखिएगा, इतने आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे और मज़ा भी आएगा सूट पहनने का। ये जी सूट है, इसको हम यहाँ लटकाते हैं, अब आप लोग देखें। ये जी ईद के सूट हो गया कंप्लीट, ईद के सूट अब ख़त्म हो गए हैं, अब आम पहनने वाले सूट आ गए हैं। ये मैंने लिया था सो कमाल से, 2 पीस अनस्टिच। अच्छा, इसको बिल्कुल सिंपल सिलवाया है, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, पिक्चर में थोड़ा सा बहुत ब्राइट सा लग रहा है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल कलर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लॉन्ग शर्ट और ये एक मोती डलवा के इसका ये गला, और जी ये इसका ट्राउज़र था, ये भी बॉक्स रखवाया था, बस सिंपल सा। अब जी इस सूट की बात करते हैं, ये लिया है सो कमाल से, 3 पीस अनस्टिच, सारा एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसका दुपट्टा देखें, इसके दुपट्टे की वजह से बस मैंने ये सूट ले लिया था, और ये इसके बाजू का पैच था, आगे मैंने वो करवा लिया था, क्या कहते हैं, कटवर्क करवा लिया और ये बाजू टाइट बनवा लिए, और ये बाकी बिल्कुल प्लेन है जो कढ़ाई हुई हुई है। अच्छा, इसके दुपट्टे का कलर मैं आप लोग को लाइट में दिखाती हूँ, ये देखें ये इसके दुपट्टे का कलर है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है दुपट्टा, ये सिल्क की कोई फॉर्म है, स्लिपरी स्लिपरी सा है। जब वीडियो पिक्चर में मैंने देखा था मुझे लगा था शिफॉन है, मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ी नहीं और जज्बाती हो गया, मैंने ऑर्डर कर लिया, ठीक है। और ये इसका ट्राउज़र है, बॉक्स बिल्कुल प्लेन। ये है ओवरऑल सूट, दुपट्टे ही वैसे बड़ा उठ रहा है।
अब जो ये सूट आता है इसका डिजाइन इतना प्यारा था, मैं सोच रही थी मैंने ईद के कपड़ों में इसका बाजू का डिजाइन क्यों नहीं बनवाया। जिसने अभी ईद के कपड़े नहीं बनाए ना तो लाजमी है बाजू का डिजाइन बनाए, बहुत प्यारा। ये देखिए हल्का सा टेढ़ा कट डाल के आगे लेस और ये प्लेन कपड़े पे सिलाइयां दोनों साइड्स पे। ये देखिए सूट को उठा दिया इस डिजाइन ने, देसी देसी सा था, बाजू से विलती विलती हो गया सूट। ठीक है, ये इस तरह गला है और गले के यहाँ पे एक लूप है, एक ट्रायंगल, एक लूप, एक ट्रायंगल, समोसा कह दो, ट्रायंगल कह दो, जेड़ा दिल करते हो कह दो। और ये इसका नीचे दामन है, धक्का लटका हुआ है और ये भी लेस। ठीक है, बाजू बहुत प्यारे हैं। ये आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ऐसे ले लें। ठीक है, अब चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। इसका भी बॉक्स रखवाया है, पट्टी, तीन प्लेटें, वन पट्टी। ठीक है, और ये है इसका दुपट्टा। ये ओवरऑल लुक सूट की। अगला ये ड्रेस आता है, ये टू पीस ड्रेस है, अनस्टिच। अच्छा, ये इस तरह पाइपिंग करवा के और ऊपर सिर्फ एक स्टोन लगवा लिया था, सिर्फ एक, ठीक है, ताकि डिज़ाइनर लुक आए। सूट की पिंक पाइपिंग करवा ली थी। और अच्छा, इसके बाजू का डिज़ाइन भी बहुत डिसेंट है, ये आप लोग देखें। और दोनों साइड से सेम है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये बाजू का डिजाइन है का इस तरह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। और इसको घुमा देते हैं अब थोड़ा स्टैंड को। और ये इसका बॉक्स ट्राउजर है, बिल्कुल सिंपल, बस इसके बाजू पे करवाया है और पाइपिंग करवाई है। अब इस सूट की बारी आती है, टू पीस अनस्टिच, नीचे से शुरू करते हैं। बिल्कुल प्लेन शर्ट है, ठीक है, और ये इसका गला है, समोसा वर्क करवाया हुआ है। अच्छा, मेरा फोकस ना इसके बाजुओं पे था, मुझे था कि इसके बाजू ना बहुत अच्छे सिलवाने हैं, तो ये प्लेटेड डलवा के पूरे बाजुओं पे, आगे और पीछे दोनों साइड्स पे, ठीक है, दोनों साइड से प्लेटें हैं। और फिर ये इलास्टिक है और इसका चुन्नट, ये वाला, ठीक है, ये आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पास करती हूँ थोड़ा सा, ये प्लेटें हैं और ये इलास्टिक। अब चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र का है जी तीन समोसा वर्क, फिर गैप, फिर तीन समोसा वर्क, फिर गैप, ये दोनों साइड्स पे ऐसा ही है। ये देखिए, ये भी बॉक्स ट्राउज़र। ये है लास्ट सूट, अगर ये ना भी दिखाती तो गुजारा हो जाना था, क्योंकि लूप्स का डिज़ाइन तो इतना घिसपट गया है। और लूप्स के डिज़ाइन का सबसे बुरी बात ये है कि तीन चार दफ़ा धोने के बाद में ये खुल जाती हैं, जितनी भी मजबूती से कर लो। इसलिए मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी ये बनवाओ, अगर बनवाना है तो अच्छी तरह मजबूत करके और कम कम धुलाई करना है। ये इसका गला, ये इसके बाजू, ठीक है, ये इसका घेरा, ये इसका है ट्राउज़र, ये भी बॉक्स है, और ये है इसका दुपट्टा। चलें जी, सूट हुए ख़त्म। मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सब दिखा दिए, रह कौन सा गया है, ये वाला रह गया है, इसका कोई भी डिज़ाइन नहीं है, इसका सिर्फ गले पे है ये, और ये तीन बटन लगाए हुए हैं, और ये बाजू के अंदर ये लेस फिट करवाई है। ठीक है, एक ये रह गया, इसका कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ये गला है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बटन नहीं लगवाया, बिल्कुल सिंपल सा, और बिल्कुल सिंपल इसका ट्राउज़र है। और एक ये सूट है, ये बिल्कुल सिंपल है, और ये सिर्फ दो ऊपर से लेके नीचे तक प्लेटेड डलवाई हैं, और बाकी सूट मैंने सारे आप लोगों को दिखा दिए। ठीक है जी, अच्छा ये रह गया बाजू एक, शर्ट तो बिल्कुल प्लेन है और बाजू पे ये शर्ट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, शर्ट बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं करवाया हुआ, जैसी थी वैसी सिलवाई है, और ये बाजू है। हाँ
हाँ जी वीडियो ही खत्म। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोई ना कोई डिजाइन तो पसंद आया ही होगा। कोई भी डिजाइन पसंद आया हो मुझे कमेंट्स में लाजी बताएगा कि आप भी एवला डिजाइन चंगा या ओवला डिजाइन चंगा। और अगर आप लोग इसको बनाएंगे या डिफरेंट तरीके से रिक्रिएट करेंगे तो फिर मुझे टैग करिएगा इंस्टाग्राम पर, मैं आप लोग के टैग का इंतजार करूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी रब रखा।